रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे, आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था ना हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टिकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस दिवस पर भारत की आस्था को अपमानित करने वाला कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है।